हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग मिस्टर अकाउंट्स। इस वीडियो में मैं सीए बनने को लेकर आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जिन्हें जानने और समझने के बाद आपके लिए ये डिसीजन लेना काफी इजी हो जाएगा कि आपको सीए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ये होता क्या है। गाइज, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो एक प्रोफेशन है जिसके अंदर जितने भी सीएस होते हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो सब लोग किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिटिंग का, बुक ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो बुक ऑफ अकाउंट्स ऑडिट की गई है उसको एनालिसिस करते हैं और एक ऐसा डिसीजन लेने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं जो कि उनके प्रॉफिट मेकिंग में काफ़ी यूजफुल होगा। गाइस, साथ ही साथ जो सीएस होते हैं वो टैक्स एडवाइस का काम भी करते हैं और मनी मैनेजमेंट में भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी हेल्प करते हैं। गाइस, सुनने में ये चीज़ें तो काफ़ी आसान लग रही हैं, पर यकीन मानिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान इन्हें समझा जाता है। गाइस, क्लास 12th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई का, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। वर्ल्ड इकोनॉमी में और इंडियन इकोनॉमी में सीए की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि खुद ब खुद सीए एक वैल्यूएबल प्रोफेशन बन चुका है। गाइस, डिमांड ज़्यादा तो है ही है, साथ ही साथ सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कम होने का कारण ये है कि हर कोई सीए बन नहीं पाता, बिकॉज सीए का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती उसको क्रैक करना, ठीक है। तो इसलिए सप्लाई तो कम है ही, डिमांड तो ज़्यादा है ही, इसलिए जो वैल्यू है सीए की वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो वैल्यू कितनी हाई है? गाइज, ये जो सीएस होते हैं इनकी जो इनकम होती है ये सिक्स फिगर होती है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो वैल्यू तो होगी। तो गाइज, यही एक इसका कारण है कि लोग क्यों सीए बनना चाहते हैं, बिकॉज इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी इन दिनों जहाँ पर लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर सीए बनना एक काफ़ी सिक्योर्ड प्रोफेशन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड है जितनी किसी भी जगह पर नहीं है। गाइस, दो ऐसे और रीज़न हैं जो कि सीए बनने को लेकर फेवर में आते हैं। जो है वो ये कि यहाँ पर आपको पैसों के साथ साथ इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। गाइस, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सीए बनना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशन है, और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स भी करनी होगी। और सीए बनने की अगर मैं बात करूँ तो ये जो एफर्ट्स होती है सिर्फ 5 साल की होती हैं। इन 5 साल के दौरान आपको खुद को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली डेडिकेट करना पड़ेगा इस प्रोफेशन के लिए। इन 5 सालों में डिस्कम्फर्ट, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होने वाली हैं। यहाँ पर आपको इन 5 साल के दौरान हर हफ्ते, हर दिन ये ख्याल ज़रूर आएगा कि यार मुझे अब सीए नहीं बनना है, क्योंकि गाइज ये जो प्रोसेस है ना सीए बनने की, और हाँ मैं सिर्फ सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है वो एक पर्सन ऑफ वैल्यू बनने की है। अगर आप सीए के अलावा कोई दूसरी फील्ड में भी एक पर्सन ऑफ वैल्यू बनना चाहते हो तो आपको इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। डिस्कम्फर्ट हमेशा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, ठीक है, स्ट्रेस भी होगा, टेंशन भी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी ही होंगी, बिकॉज आप एक नॉर्मल पर्सन से पर्सन ऑफ वैल्यू बनने जा रहे हो, ठीक है। तो गाइज, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि सीए में ये सारी चीज़ें होती हैं तो मैं तो नहीं करता सीए। गाइज, यहाँ पर आप अगर सीए नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कुछ तो करोगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर होंगी। तो बेटर है कि आप एक पर्सन ऑफ वैल्यू बनने जा ही रहे हो तो एक ऐसे प्रोफेशन में जाओ जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। गाइज, मेरे पास आपके लिए 3 सवाल है जिनके जवाब आपको खुद को देने हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि आर यू रेडी फॉर द अप्स एंड डाउन्स। अप्स तो होते ही नहीं है, डाउन्स ही होते हैं, बिकॉज सीए बनने की इस प्रोसेस में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और जो फाइनल होता है, ये तीनों जो एग्जाम्स होते हैं ये काफ़ी अलग लेवल के होते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाओ। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आर यू रेडी फॉर द डेली चैलेंजेस अप टू 5 ईयर्स। यहाँ पर आपको 5 साल तक, 5 साल एक कम समय नहीं होता है, 5 साल एक बहुत लंबा समय है, 5 साल तक आपको हर दिन नए चैलेंजेस आएंगे और आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो तीसरा सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम, बिकॉज यहाँ पर सीए बनने के लिए 5 साल लगते हैं नॉर्मली, अगर आप हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ तो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी की एज बराबर हो 12th क्लास में, कुछ 19 साल के होते हैं, कुछ 16 के होते हैं, कुछ 17 के होते हैं, कुछ 20 के होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो टाइम वाला डिसीजन है, जो टाइम वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको खुद को
सीरियसली देना पड़ेगा ईमानदारी से, ताकि आप खुद ये समझ पाए कि क्या सही में आपके पास टाइम है। कई सारी बातों को अच्छे से समझने के बाद अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपका हाँ है तो बस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी नहीं टिक पाते। और अगर कोई भी मोटिवेशन अगर आपको अंदर से आ रहा है सीए बनने को लेके, तो शुरू हो जाओ, यू डिजर्व इट।